भारतीय जनता पार्टी सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी सिपाही रहेंगे, लेकिन अब नहीं रहेंगे ना। नहीं ऐसी बात नहीं, अभी नहीं रहेंगे, ये विधानसभा ठीक है नहीं रहेंगे, बात को देखा जाएगा। ऐसे कैसे बोलिए आप, अगर अगर समय वक्त लगा विधायक बने तो वो भी दिखाएंगे कौन सी पार्टी में जा रहा है, इसकी बात ही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी सिपाही भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। चूंकि अभी रिकेश सेन को जो प्रत्याशी बनाया गया है उनकी भी कार्य प्रणाली जग जाहिर है, वो भी लोगों की सेवा भाव लगातार करते हैं, तो किस आधार पे आखिरकार पार्टी हाईकमान द्वारा रिकेश सेन को ही वैशाली नगर विधानसभा से उतारा गया? अब ये तो बड़े नेता जानेंगे इनके वजह क्या कर सकता नहीं है। हम लोग छोटा नेता है, अपन अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, अब बड़े हाईकमान जाने इसके बारे में कैसे क्या कर सकता नहीं है। तो इस पूरी विधानसभा को कवर करने के लिए आपके द्वारा किस तरह की रणनीति है कि कहीं ऐसा भी ना हो कि आने वाले समय में आप रिकेश सेन के पक्ष में बैठ जाएं? नहीं नहीं ऐसे कोई विचार नहीं है, क्योंकि वार्ड एक जुनवानी चालू होता है और वार्ड 37 खत्म होता है, इसके बीच में हमारे अच्छे संबंध है, सब समाज के लोग है, सब लोग है, सर्व समाज के लोग है जो कि वार्ड एक से खड़े होंगे, वार्ड 37 से लाके बताएंगे कैसे चुनाव होता है। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशिया न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड 34 के पूर्व पार्षद छोटे लाल चौधरी जी, जो भाजपा के कट्टर समर्थक होने के साथ साथ कट्टर कार्यकर्ता है। भाजपा की ही टिकट पे इनके द्वारा पार्षद का चुनाव जीता गया था और इनकी छवि वार्ड में एक कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवी के रूप में जानी जाती है। हर अच्छे कार्यों में ये दूसरों की मदद करते आए हैं, ये अपनी अनुपस्थिति में भी इनके द्वारा लगातार लोगों की मदद पहुंचाई जाती रही है, शुरू से हमारे द्वारा देखा गया है। चूंकि अभी विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है तो छोटे लाल चौधरी जी द्वारा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया गया है, अब इनके द्वारा यह मन क्यों बनाया गया? चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता रहे, कर्मठ कार्यकर्ता रहे, पार्षद रहे, बावजूद इसके ये वैशाली नगर विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाने उतरे हैं, तो क्या वजह? आइए हम इन सब बातों के लिए छोटे लाल चौधरी जी से ही रूबरू होते हैं। छोटे लाल चौधरी जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये है, चूंकि आप भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ भाजपा नेताओं से आपकी जान पहचान है, तो ऐसी क्या वजह हुई कि आप वैशाली नगर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं? सबसे पहले आपको इसे न्यूज को नमस्कार धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे बुलाया। इसकी वजह यह है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लगभग 30-32 साल से कर्मठ जुझारू टाइप के कागड़ते ही रहे हैं। हमने अपने जीवन समझ लो कितना बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज हमने वैशाली नगर से मांग किए थे कि वैशाली विधानसभा से हमें प्रत्याशी बनाया जाए। इसके मौजूदा टिकट का वितरण जानिए रहो आप, रिकेश सिंह जी बड़े भाई साहब हमारे हैं, आदरणीय है, ठीक है, इनको टिकट मिला है। अब एक हमारा समाज भी है निषाद समाज जी, जो हमारे 18,000 लोग यहाँ पे निवास करते हैं, और समाज के में हम लोग सब मिलजुल के बीच में मीटिंग होती रहती है। तो अभी चुनाव प्रक्रिया में मीटिंग हुई, क्या करेंगे कैसे करेंगे, इसके भी गणित बैठा, ठीक है जैसे भी, अब इनको मिला तो समाज पे बैठे बोले चुनाव लड़ना है तो ठीक है भाई लड़ेंगे, तो चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अभी आपके समाज की मीटिंग भी हुई जिसमें आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो इससे आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जो आपकी कर्मठता पे लोग भाजपा नेताओं के अलावा अन्य लोगों द्वारा भी उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि वर्षों पुराने कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के? देखिए भारतीय जनता पार्टी को विचार विमर्श करना चाहिए। अब या तो जाति समीकरण की बात करते हैं, जाति समीकरण कहाँ रहेगा यहाँ पे? संजय भैया बताइए जाति समीकरण कहाँ रहेगा? 18,000 निवास करने वैशाली नगर में निषाद समाज, निषाद भोई ढीमर केवट मला कहाँ रहे? तो चूंकि अभी रिकेश सेन को जो प्रत्याशी बनाया गया है उनकी भी कार्य प्रणाली जग जाहिर है, वो भी लोगों की सेवा भाव लगातार करते हैं, तो किस आधार पे आखिरकार पार्टी हाईकमान द्वारा रिकेश सेन को ही वैशाली नगर विधानसभा से उतारा गया? अब ये तो बड़े नेता जानेंगे इनके वजह क्या कर सकता नहीं है। हम लोग छोटा नेता है, अपन अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, अब बड़े हाईकमान जाने इसके बारे में कैसे क्या कैसे नहीं है। क्योंकि जब टिकट वितरण हुआ तो आपके द्वारा अपनी बातें हाईकमान के समक्ष नहीं रखी गई, उनके उन्हें नहीं इस बात से अवगत कराया गया कि यहाँ निषाद समाज के में इतने वोटर्स हैं, यूपी बिहार के इतने वोटर्स हैं जिसका लाभ चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, इस संबंध में आपके द्वारा किसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई? मैंने हमारे आदरणीय प्रदेश राहुल साज को अपने लेटर पेड में दिया है और अपने जिलाध्यक्ष भुजपुरिया जी को भी दिया है,
हमारे बिहार से आए थे प्रवक्ता, इनको भी हमने दिया है, हमने अपनी जग जाहिर पूरा किया है, ऐसे ऐसे स्टेप का है, ओबीसी मनु भी आते हैं इस वक्त विधानसभा के विधायक, मतलब प्रत्याशी बनाया जाए। तो चूंकि अभी इतनी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा है, और हालांकि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होते आए हैं, तो इस पूरी विधानसभा को कवर करने के लिए आपके द्वारा किस तरह की रणनीति है, कि कहीं ऐसा भी ना हो कि आने वाले समय में आप रिकेश सेन के पक्ष में बैठ जाएं? नहीं नहीं, ऐसे कोई विचार नहीं है, क्योंकि वार्ड 1 जुनवान ही चालू होता है और वार्ड 37 में खत्म होता है, इसके बीच में हमारे अच्छे संबंध है, सब समाज के लोग है, सब लोग है, सर्व समाज के लोग है, जो कि वार्ड 1 से खड़े होंगे, वार्ड 37 से लाके बताएंगे कैसे चुनाव होता है, बैठने की बात ही नहीं होता है। क्योंकि ये पावर हाउस सब्जी मार्केट में स्वर्गीय विश्राम मांझी जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भी आपके द्वारा काफी संघर्ष किया गया, उसमें हमारे प्रतिनिधियों द्वारा भी वहां का न्यूज को कवर किया गया था, हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते थे। इस तरह का जो जो, जो आपके द्वारा लगातार जनहित में जो कार्य किया जा रहा है, आगे आपकी किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, मैं समाज के लिए कभी भी तत्पर खड़ा रहा हूँ और अन्य समाज के लिए भी मैंने खड़ा रहा, ऐसी बात है, समाज समाज के रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे को सब चाहते हैं, सब पता कर लीजिएगा आप इसके बारे में, सब समुदाय के लोग से मेरे अच्छी तालमेल है, कोई परेशानी नहीं है मेरे चुनाव लड़ने के लिए, मैं चुनाव में सारे विधानसभा से लड़ रहा हूँ। और जी चौधरी जी, जैसे आपने कहा कि आप वैशाली नगर विधानसभा से पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं, तो इस निर्णय लेने के पहले आपने जो पार्टी के स्थानीय स्तर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे किसी तरह की चर्चा की अपने पक्ष को रखा रिकेश सिंह की टिकट घोषित होने के बाद? नहीं, इसके बाद मैंने रिकेश सिंह जी जब घोषणा हुआ तब मैंने कोई बात इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि जब घोषणा हो ही गया ठीक, कोई बात नहीं, अभी पार्टी का समय वक्त है, वहां तक फैसला ले, अभी फार्म तो हुआ नहीं है, नहीं तो पार्टी जाने और चलेगा, क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके मन में दुख तो होता होगा, चूंकि आप वर्षों से भाजपा की सेवा करते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान बनी है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं तो आपको तो थोड़ा अफसोस होता ही होगा जो आप निर्णय ले रहे हैं अभी। देखिए संजय भैया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी सिपाही रहेंगे, लेकिन अब नहीं रहेंगे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी नहीं रहेंगे, ये विधानसभा ठीक है, नहीं रहेंगे, बात को देखा जाएगा, ऐसे कैसे सोच लिया आप? अगर अगर समय वक्त लगा विधायक बने तो भी दिखाएंगे कौन सी पार्टी में जा रहा है, इसकी बात ही नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी सिपाही, भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन आपके इस कदम से तो निश्चित रूप से पार्टी के जो पदाधिकारी है उनमें आक्रोश होगा, नाराजगी जाहिर होगी। ठीक है, वो समय देखा जाएगा, जैसे वो ऐसे लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भारतीय जनता पार्टी सिपाही रहेंगे। तो आपके चुनाव लड़ने की मुद्दा जो है लड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कार्य प्रणाली किस तरह से रहेगी पूरे वैशाली नगर विधानसभा? वैशाली विधानसभा में वार्ड 1 से वार्ड 37 तक हमारे पूरे कार्यकर्ता लग जाएंगे, अभी चुनाव चिन्ह मिल जाए उसे पूरे सिस्टमेटिक से काम चल रहा है। चूंकि वैशाली नगर में अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो ये भी देखने को मिला है कि कई कई वार्डों में भेदभाव की स्थिति भी रहती विकास कार्यों को लेकर के, जैसा कि मैंने खुद स्वयं देखा आपके जब पूर्व काल कार्यकाल में, तो उस दौरान भी पानी के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, तो आपके द्वारा अपने निजी रूप से आपके द्वारा बोरिंग का कार्य वहां पे कराया गया, घर घर तक लोगों को पानी पहुंचाने की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई ताकि लोगों को पानी की वजह से परेशान ना होना पड़े। तो आगे इस तरह की समस्या, चूंकि यहाँ मूलभूत समस्या पानी से लेकर के सड़क नाली से लेकर के आदि छोटी छोटी जुड़ी हुई चीजें हैं जो मूलभूत समस्या कही जा सकती, तो उसके निराकरण के लिए छोटेलाल चौधरी जी क्या प्रयास किया? देखिए, मैं 5 साल पार्षद रहा हूँ और मेरा वार्ड पानी से जूझ रहा था, जो 5 साल मैंने घर घर पानी दिया है, 5 साल मैंने घर घर पानी दिया, पानी से लोग ठीक ठाक बढ़िया बोलते हैं, छोटे चौधरी से पानी मिला, रोड ही बनाया हमने अपने वार्ड के लिए। अब ये विचार लेकर कि हमने अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो वैशाली बताएंगे किस टाइप विकास होता है। चूंकि छोटेलाल चौधरी जी आप पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपके द्वारा लगातार बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया, ऐसी भी जानकारी हमारे नॉलेज में आई है, तो इस हालांकि ये अंदरूनी प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी मदद मिल रही है किसी, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए अनेकों दावेदार थे, सभी अनिश्चित थे अपनी अपनी टिकट को लेकर, लेकिन ये जो घोषणा हुई इससे कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी मिल रही है। आपको पहले ही बात बोल चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमें क्यों नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी कैंडिडेट से, हमने 5 साल रहा है। लेकिन कैंडिडेट तो आपके अच्छे मित्रों में गिने जाते हैं।
आपकी बात जवाब देता हूँ इसी बात पे। हम लोग 5 साल आए स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के नेतृत्व में नेता प्रदेश भैया भाई साहब को बनाएगा। हम लोग 2 साल में हम लोग ऐसे कुछ लगा कि नहीं कुछ हुई ना जाना नहीं, 2 साल में इनको नेता प्रतिपक्ष से विकास करना पड़ा। 3 सालों में बिना नेता प्रतिपक्ष का नगर निगम चलाया है। इस कदर के आदमी को विधानसभा के बना दो कैसे बनेगा। चूंकि अभी प्रत्याशी की दौड़ में काफी वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे, जो अभी वरिष्ठ पार्षद है भोजराज सिन्हा जी भी इस लाइन में थे, वो भी काफी आशान्वित थे अपनी टिकट को लेकर के, उन्हें भी दरकिनार कर दिया भाजपा ने, तो उनमें भी मेरे आपको क्या लगता है उनमें कैसी स्थिति है? कहीं कहीं सबको इस पर की भावना है कि नहीं गलत व्यक्ति को टिकट मिल गया है, इसलिए भोजराज सिन्हा जी से हमारे अच्छे मित्र है। एक बार भोजराज सिन्हा जी रहते तो बदलाने कोई बात ही नहीं पड़ती इस टाइप की। तो भोजराज सिन्हा जी रहते तो आप इस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते? देखिए भोजराज सिन्हा जी ऐसे है कि पूरे पार्षद से अच्छे व्यवहार रहे हैं, अच्छे ताल में रहे हैं, इनको मालूम है मेरा भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उनके समझ नहीं आता क्या भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस है, समझ नहीं आता इस टाइप का। तो अंतिम सवाल छोटे सा चौधरी जी आपसे ये है, चूंकि आपकी तैयारियों को तो देख करके लग रहा है कि निश्चित रूप से आप मैदान मार लेंगे, जिस तरह से आपकी तैयारियां कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिलाओं पुरुष की सभी युवाओं की भीड़ आपके साथ चल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि यदि बी फार्म आपको उपलब्ध करा दिया जाए। पार्टी का आभार मानूंगा मैं इसके लिए, पार्टी के लिए मैं तो पहले बोल दिया पार्टी का सिपाही रहूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी अगर निर्णय अपना बदली करती है आभार मानूंगा पार्टी का मैं। दर्शकों ये थे हमारे साथ छोटेलाल चौधरी जी, पूर्व पार्षद शाहजादपुरा के, जिन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है। देखने को ये भी नजर आ रहा है लगातार पिछले 3-4 दिनों से कि इनकी जो कार्यकर्ताओं की फौज है, युवाओं की है, महिलाओं की है, बुजुर्गों की जो फौज है, छोटेलाल चौधरी के प्रचार में अभी से विभिन्न वार्डों में सक्रिय हो चुकी है, जगह जगह बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से छोटेलाल चौधरी की जो नाराजगी है वह वैशाली नगर विधानसभा के इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारी शुभकामनाएं।